भारत के दोस्त रूस ने पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखा दी है। रूस ने बता दिया है कि पाकिस्तान उसके लिए उतना खास नहीं है जितना खास भारत है। पाकिस्तानी वित्त मंत्री ने खुद कहा कि रूस ने भारत की तरह पाकिस्तान को अभी तक सस्ते तेल का ऑफर नहीं दिया है। इस बयान से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का दावा एक बार फिर झूठा निकला है। भारत की तरह रूस से सस्ता तेल मंगाने के सपने देख रही पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार को व्लादिमीर पुतिन ने करारा झटका दिया। दरअसल इमरान खान सरकार ने रूस को सस्ता तेल देने के लिए पत्र लिखा था, लेकिन पुतिन सरकार ने अभी तक इसकी मंजूरी नहीं दी है। इस बीच पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि अगर अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा नहीं रहता तो उनका देश रूस से सस्ता तेल खरीद सकता है। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में पाकिस्तानी वित्त मंत्री से जब पूछा गया कि क्या भारत की तरह अगर सस्ते तेल का ऑफर मिलता है तो पाकिस्तान रूस से खरीदने पर विचार करेगा, इस पर इस्माइल ने कहा कि निश्चित रूप से विचार करेंगे। साथ ही कहा कि पाकिस्तानी बैंकों के लिए संभव नहीं है कि रूसी तेल खरीदने की व्यवस्था कर पाए। उन्होंने ये भी दावा किया कि पाकिस्तान को अभी तक रूस ने इस तरह का कोई ऑफर नहीं दिया है। पाकिस्तानी वित्त मंत्री ने कहा, इमरान सरकार ने रूस से तेल खरीदने पर बातचीत की थी, लेकिन मैं समझता हूं कि रूस अभी प्रतिबंधों के दायरे में है। रूस ने पिछली सरकार की ओर से लिखे गए पत्र का अभी तक जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों की मार झेल रहे रूस से तेल खरीदने की कल्पना करना भी पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है। बता दें कि रूस पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों के मुताबिक मॉस्को से तेल खरीदने पर अभी कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि बाइडेन प्रशासन नए प्रतिबंधों पर विचार कर रहा है जो भविष्य में रूस से तेल खरीदने पर भी बैन लगा सकता है। इस बीच पाकिस्तानी वित्त मंत्री के इस बयान पर इमरान खान की करीबी मंत्री रह चुकी शिरीन मजारी ने पलटवार किया। उन्होंने भारत का रूस से सस्ते में तेल खरीदने का हवाला देते हुए शहबाज शरीफ पर हमला बोला है। शिरीन मजारी ने कहा कि वित्त मंत्री इस्माइल अज्ञानी है, रूस से तेल खरीदने पर अभी कोई बैन नहीं है, भारत से पूछो। वास्तव में अमेरिकी डर के अलावा उन्हें रूस से तेल खरीदने के लिए क्या रोक रहा है। वहीं गेहूं के आयात के मुद्दे पर पाकिस्तानी वित्त मंत्री ने कहा, पाकिस्तान यूक्रेन और रूस दोनों से गेहूं खरीदने के लिए तैयार है। बता दें कि भारत ने अमेरिकी धमकी के बाद भी रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा है। यूक्रेन पर हमले के बाद से अब तक भारत ने रूस से 3,40,00,000 बैरल कच्चा तेल खरीदा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल TV9 भारतवर्ष।